सबको वॉइस वीडियो स्क्रीन क्लियर क्लास सर यस और नो वॉइस वीडियो स्क्रीन क्लियर टोटल 9-10 बच्चे कनेक्टेड हैं किसी की आवाज नहीं आ रही है यस ओके 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 ठीक है चलिए क्लास 10 का साइंस ओके 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 क्लास 10 का साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिश करेंगे हम हर चीज़ को डिटेल में समझें शुरुआत केमिस्ट्री से कर रहे हैं केमिस्ट्री में आपके टोटल 6 लेसन हैं उसमें से हर लेसन के बारे में आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है बट जो कार्बन केमिस्ट्री या कार्बन कंपाउंड लेसन है आपका उस लेसन के बारे में अभी तक आपकी कोई जानकारी नहीं है आप उनसे थोड़ा भी फैमिलियर नहीं है ठीक है क्योंकि ये लेसन अब से पहले मतलब प्रीवियस क्लास में इसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है आपके बुक में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था कुछ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी राइट तो अभी हम क्या करेंगे हर चीज़ को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में समझेंगे उसको हर चीज़ को यहाँ पे पहले हम एनालाइज करेंगे राइट चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड ठीक है कार्बन कंपाउंड सवाल ये उठता है कि क्यों कार्बन कंपाउंड और किसी के कंपाउंड नहीं है क्या क्यों कार्बन के ही कंपाउंड राइट कार्बन को इतना VIP हम क्यों मान रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर क्यों अपने आप में ये अलग है चैप्टर का नाम है आपका कार्बन कंपाउंड क्यों कार्बन कंपाउंड हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट हैं उनके बारे में इतना डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हम राइट क्यों कार्बन अपने आप में एक स्पेशल है क्यों खास है देखिए उसके पीछे की वजह कार्बन को इतना VIP हम क्यों मान के चल रहे हैं ठीक है यहाँ पे केमिस्ट्री की दो बड़ी बड़ी ब्रांच है मेजर ब्रांच बोल सकते हो आप ठीक है पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से सुनते जाना हर चीज मैं यहाँ पे स्लोली और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ठीक है ये दो बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते हैं ठीक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हैं और इसमें अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है नैनोटेक ठीक है नैनोटेक कार्बन केमिस्ट्री का बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 90-98% कार्बन का यूज़ करते हैं इवन मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल दिखाऊं अभी के टाइम पे अगर किसी को अपेंडिक्स का या किसी को स्टोन का ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर क्या करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक कट लगाते हैं और पर्टिकुलर उस पार्ट को वो क्या करते हैं ऑपरेशन के अंडर उसको रिपेयर करते हैं या कुछ मतलब जो कुछ हो रहा है वहाँ पर वो हमें क्या करना पड़ता है कट लगाना पड़ता है ब्लीडिंग होती है वहाँ पर स्टिचेस लगते हैं राइट कार्बन कंपाउंड या कार्बन से रिलेटेड एक ब्रांच नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें क्या होता है कि एक छोटा सा रोबोट जो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड से बना रहता है और वो आपकी बॉडी में जाएगा और उस पर्टिकुलर पार्ट को ठीक करके वापस आ जाएगा ठीक है जिसमें आपको कहीं कट लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे स्टिचेस लेने की ज़रूरत नहीं है तो ये होती है नैनो टेक्नोलॉजी जहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस हैं वहाँ पे नैनो ट्यूब से या नैनो टेक्नोलॉजी से हम उस काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं
नैनो टेक्नोलॉजी गुजरात बोर्ड की बुक के अंदर 2008 से पहले जो सिलेबस था उसमें आपको ये चैप्टर पहले नंबर पे मिलता था, राइट। बट सीबीएसई बोर्ड की बुक आने के बाद क्लास 10 की बुक में से, साइंस की बुक में से ये चैप्टर निकल गया है। अभी आप देखोगे तो आपके पास पहला चैप्टर मिलेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये था आपका मतलब कार्बन और कार्बन की रिलेटेड केमिस्ट्री। जिस केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिस केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते हैं या बहुत ही थोड़ा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिलोंग करता है क्योंकि हम इसके अंदर कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड। अब सवाल दिमाग में ये आना चाहिए क्यों कार्बन ने अलग से केमिस्ट्री बनाई, क्यों एल्यूमिनियम ने अलग से केमिस्ट्री नहीं बनाई, क्यों सोडियम ने अलग से केमिस्ट्री नहीं बनाई, कार्बन में ऐसी क्या खासियत है या कार्बन में ऐसा क्या स्पेशलिटी है या कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसको अलग से केमिस्ट्री बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि प्रोटॉन और वो सेम है इसलिए। समझते हैं, यहाँ पे समझेंगे हम, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वाई कार्बन केमिस्ट्री है, वाई कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे क्यों कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन ने अपनी खुद की केमिस्ट्री क्यों बनाई, राइट। चलिए उसके पहले हमें कार्बन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको मैंने क्लास 9 में पढ़ाया था, वो भी डिटेल में। आपको मैंने 1 से 20 एलिमेंट्स पढ़ाए थे, राइट, जो स्टार्ट हाइड्रोजन से होते थे और 20 नंबर कौन कैल्शियम से ख़त्म होते थे। वैसे तो हमारे पास टोटल 119 एलिमेंट्स थे, बट मैंने आपको बोला था कि ये क्लास 10 के लेवल तक आपको 1 से 20 एलिमेंट याद करने हैं, इनफ हो जाएगा। अच्छा, अब 1 से 20 के अंदर हमारा कार्बन कहाँ लाई करता है, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कार्बन का सी, अगर इसको आप थोड़ा सा मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या था, सुनते जाना आपको सारी बातें रिवाइज होती जाएगी। एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाते हैं और उसका एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो मैंने बताया था नंबर का डबल करोगे तो आपको मास मिल जाएगा, नंबर 6 है तो डबल किया तो मास कितना मिला, 12। एटॉमिक मास को ए से दिखाते हैं, मैंने आपको वो भी बताया था कि एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन, उतना प्रोटॉन, इतना न्यूट्रॉन। वैसे ये कहना सही नहीं होगा बट अभी आप जनरली लेके चलो कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। चलिए फिर अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी सिखाया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, मैंने इसके ऊपर टेस्ट भी लिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम के पास टोटली न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये हो जाएगी फोर्थ ऑर्बिट। हमने इसके अलग अलग नाम भी रखे थे, KLMN, ये आपका हो जाएगा KLM और N, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ KLM और N। कैपेसिटी बताई थी मैंने 2N² फॉर्मूले से जो नील बोर ने दिया था, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 16, 18 या 16, ठीक है। चलिए अब पहले में
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 आ जाएंगे और दूसरे में 4 आ जाएंगे, बाकी सब में 0, राइट। चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले में 2 आ गए और दूसरे में 4 आ गए। अब बाकी ऑर्बिट की हमें जरूरत नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी ऑर्बिट की जरूरत नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो पहली वाली ऑर्बिट तो फुल है, कैपेसिटी 2 की थी और 2 आ गए। पहली वाली ऑर्बिट के पास कैपेसिटी 2 की थी और 2 आ गए, हैप्पी है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बात करें एल ऑर्बिट की, तो यहाँ पे एल ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी थी? 8, और उसको मिले कितने इलेक्ट्रॉन? 4। मतलब एल ऑर्बिट सोचती है, या मतलब ऐसा हम समझते हैं कि चलो एल ऑर्बिट क्या सोचेगी, 3 बातें सोचेगी। पहली बात, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन भगा दिए जाएं ताकि मेरी ऑर्बिट खाली हो जाए। दूसरी बात, या तो मेरी ऑर्बिट में कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जो मेरी पूरी कैपेसिटी है वो फुल हो जाए और मैं खुश हो जाऊं। या फिर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है और मेरे पास 4 हैं, मतलब ये कैसा है? पार्शियल फील्ड, आधा भरा हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ। मतलब कार्बन है वो हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ रहा है। देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, लॉस कर दे, तो पूरा ऑर्बिट खाली हो जाएगा, तो भी खुश है। या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी, ठीक है, तो भी खुश। और चौथी बात, तीसरी बात, कि अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है या अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, तो भी उसके पास पार्शियली फिल्ड नाम की कंसेप्ट के हिसाब से वो खुश है। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो भी हैप्पी, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो भी हैप्पी, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं पार्शियली फिल्ड तो भी वो हैप्पी है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन है वो हर कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, हर कंडीशन में वो खुश रह सकता है। कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो भी खुश, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो भी खुश, और कुछ नहीं करना है, नहीं किसी से लेना है, नहीं किसी को देना है, तो भी वो खुश है अपने आप में। इसीलिए ऐसा बिहेवियर वाला एटम कार्बन अकेला ही है, और किसी के पास ऐसी बिहेवियर नहीं है। 120 एलिमेंट के अंदर ऐसा बिहेवियर हर हालत में, हर कंडीशन में खुश रह सके, ऐसा बिहेवियर कार्बन के अलावा और किसी के पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए कार्बन ने अपनी खुद की एक केमिस्ट्री बनाई है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है जो क्या करता है, किसी बच्चे को हेल्प भी करता है, तो वो क्या करेगा, बाकी सारे बच्चों के साथ उसकी अच्छी रिलेशन रहेगी, तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी सारे बच्चे भी क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, और इस बहाने क्या हो जाएगा कि बाकी सारे बच्चे भी और वो अकेला बच्चा भी क्या रहता है, हर कंडीशन में खुश रहता है, और उसकी वजह से उसकी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है, और वो क्या करेगा, एक उसका एक फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा हो जाएगा, राइट। सेम वे यहाँ पे कार्बन क्या करता है, हर हालत में खुश रहता है, हर हालत में वो हैप्पी को, हैप्पी स्टेट को गेन कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन ने क्या कर दिया है, बहुत सारे एटम के साथ, बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ, बहुत सारे एलिमेंट के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, ग्रुपिंग कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, और कई सारे नए नए कंपाउंड्स बनाते रहता है।
ठीक है, इसी की वजह से इसने अपनी एक खुद की अलग से केमिस्ट्री बना के रखी हुई है। होप सो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि क्यों कार्बन ने अपनी अलग केमिस्ट्री बनाई, क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पूछ नो सकता है। नो बहुत ही यस बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी भी कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है, क्योंकि देखो कहीं पे कुछ छूटेगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी समझने में। नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार पूछो, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूँगा, बट कुछ छूट जाएगा और आप मुझे बताओगे नहीं, तो आगे जाके कुछ मैं नई चीज़ बताऊँगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर ये है कुछ लेके मत चलो, सब समझ के चलो। किसी को प्रॉब्लम नो नहीं, चलो मान के चल रहे नो हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हैप्पी स्टेट गेन करने के बाद कार्बन क्या कर लेता है, अपनी खुद की केमिस्ट्री बना लेता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कार्बन का जो के एल एम और एन कॉन्फ़िगरेशन था, जिसकी वजह से 2, 4, 0 और 0 ये बन रहा था स्टेट उसका। ठीक है, ये वाली सेल हैप्पी थी और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। मैंने बताया था आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और अब अलग अलग मैं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़। चलो मान लिया वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लॉस करेगा तो क्या बनेगा, प्लस कार्बन प्लस बनेगा 4 बनेगा, मतलब केटायन बनेगा, और केटायन क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और मेटल क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। देखिए ये पूरी चेन है केमिस्ट्री का, बेस जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, टेबल्स पढ़ते हैं, फिर हम सम करते हैं, प्लस माइनस एडिशन, वैसे केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ध्वनि कुछ मत लिखो, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ध्वनि, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर दिए, अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -4 हो जाएगा, एनायन बनाएगा, नॉन मेटल, एसिड और क्या बनेगा, एसिड। मतलब आप देख सकते हो कार्बन जरूरत पड़ने पर बेस भी बन सकता है, एसिड भी बन सकता है, मेटल भी बन सकता है, नॉन मेटल भी बन सकता है, आपने देखा यहाँ पे। और वैलेंसी कितनी है इसकी, 4। जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है उनको हम खास नाम देते हैं, क्या बोलना है, टेट्रा वैलेंट। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, टेट्रा वैलेंस, वैलेंट या वैलेंस। ठीक है, कार्बन कैसा है, टेट्रा वैलेंट है। क्यों, क्योंकि उसके पास, उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। और देखना आप किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती है, कार्बन के पास वो वैलेंसी है। देखना जनरली सबकी वैलेंसी 1, 2, 3, ठीक है, वैलेंसी 4 को मैक्सिमम वैलेंसी माना जाता है, और वो मैक्सिमम वैलेंसी किसके पास है, कार्बन के पास है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कार्बन की कि जो बाकी सबके पास नहीं है वो इसके पास है, क्या, टेट्रावेलेंट। इसके पास 4 वैलेंसी है, पहली बात देखी। दूसरी बात, ये जरूरत पड़ने पर मेटल नॉन मेटल का बिहेवियर गेन कर सकता है। अब मैं तीसरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको कार्बन को सिंबल में लिखना आना चाहिए, कार्बन को सिंबल में लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ,
कार्बन का सिंबल आप ही हो गया। अब कार्बन में के एल एम और एन, ये स्लाइड ध्यान से देखना सारे बच्चे, के की कैपेसिटी 2 थी, 8 थी, 8 थी, और यहाँ पे 16 या 18 कुछ फिक्स नहीं है, वैसे आइडियली भी इसका कुछ और वैल्यू है, राइट। 16 18 कर लेते हैं हम, पहले में 2, दूसरे में 8 होने चाहिए, तीसरे में 8 होने चाहिए, बाकी में 16 या 18 होने चाहिए। बट कार्बन के मामले में कितना है, 2 है और 4 है। अब ये तो हैप्पी है, इसको हम सो नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 होना चाहिए था, बट इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका नंबर 6 है, राइट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में देखना कैसे दिखा रहा हूँ, कैसे शो कर रहा हूँ, शो करने का तरीका देख लेना। क्या करूँगा मैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको कैसे दिखा रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैं एक और कार्बन यहां पे ले रहा हूं, मैं यहां पे एक और कार्बन ले रहा हूं, उसके भी पास 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अब देखिए कार्बन क्या करता है, मान लिया हमने मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं, मैंने एक और कार्बन ले लिया, ग्रीन कलर से ले लेते हैं, एक और कार्बन ले लिया, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 4, ब्लू कलर से ले लेते हैं एक और कार्बन, एक और कार्बन ले लिया, इसके पास भी 1 2 3 और 4, और एक कार्बन ले लिया नीचे हमने, 1 2 3 और 4, ठीक है। कार्बन के पास एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक खास प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। क्या प्रॉपर्टी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कार्बन क्या करता है, अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग क्या है मैं बताऊं, देखो अब ये कौन सा कार्बन है, कार्बन वन दूसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का कार्बन, चौथे नंबर का कार्बन, और ये पांचवें नंबर का कार्बन। अब ये कार्बन ने, फर्स्ट वाले कार्बन ने तीसरे वाले कार्बन के साथ क्या किया, रिलेशन बनाया, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन ने दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या किया, रिलेशन बनाया। फर्स्ट वाले कार्बन ने चौथे वाले कार्बन के साथ क्या किया, रिलेशन बनाया। फर्स्ट वाले कार्बन ने पांचवे वाले कार्बन के साथ क्या बनाया, रिलेशन बनाया, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसा है, देखो ये फर्स्ट वाला कार्बन इस कार्बन को बोलेगा कि तुम ये मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तो तुम ये मेरा इलेक्ट्रॉन रखना, और तुम्हें जब जरूरत ना हो तब ये मुझे इलेक्ट्रॉन वापस कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कार्बन सेम टू सेम दूसरे कार्बन के साथ भी क्या कहता है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास रखो, जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन यूज करना, अगर जरूरत नहीं है तो मुझे वापस कर देना। सेम टू सेम इसके पास भी यही कहानी होगी, इसके पास भी यही कहानी होगी, इसके पास भी यही कहानी होगी। अब मैं एक बात ध्यान से बता रहा हूं, सुनना सब लोग, जब
फर्स्ट वाले कार्बन को जरूरत पड़ेगी, जब फर्स्ट वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले में दो थे, दूसरे में चार थे। और फर्स्ट वाला कार्बन सोचता है कि अगर कहीं से मुझे चार इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा सेकेंड नंबर का ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट, वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और मैं एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो जाएगी मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास फोर इलेक्ट्रॉन है एल ऑर्बिट में। और अगर मुझे कहीं से चार इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो मेरा हैप्पीनेस का जो लेवल है वो एक्सट्रीम हो जाएगा, हाईएस्ट लेवल का हो जाएगा। तो देखो, अब ये सेकेंड वाला कार्बन फर्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, थर्ड वाला कार्बन फर्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, फोर्थ वाला कार्बन फर्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा और फिफ्थ वाला कार्बन भी फर्स्ट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीके से हमारे पास जो सेंटर में कार्बन था, फर्स्ट नंबर का कार्बन था, उसके पास छह इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे और अब बाकी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के कार्बन से उनको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो अब उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और वो क्या कर लेगा अब? अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो पहले में दो भर लेगा और दूसरे में आठ भर लेगा, जो उसकी कैपेसिटी बिल्कुल फुल कर देगा। देखो, अब ये पहली वाली ऑर्बिट तो पहले से हैप्पी थी और दूसरी वाली ऑर्बिट भी हैप्पी हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन को जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपस में सारे कार्बन का काम बनता रहता है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे कार्बन एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन भेजते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, ताकि सारे इलेक्ट्रॉन ये वाला काम कर सकें। अपनी जो ऑर्बिट खाली थी, चार इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पे वो आठ इलेक्ट्रॉन करके एकदम से खुश रह सके। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसीलिए कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाते रहता है, रिलेशन बनाते रहता है और एक लंबी चेन बनती जाती है। जैसे मैं इस पूरे डायग्राम को एक सिंबल के फॉर्म में दिखाऊं तो ये इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा। देखो, ये हमारा सेंट्रल कार्बन, ये हमारा सेकेंड थर्ड कार्बन, ये सेकेंड और ये फिफ्थ वाला और ये फोर्थ वाला। इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया। वापस देखो ये क्या करेगा, एक फिर से एक बॉन्ड बनाएगा, वापस यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से क्या होती रहेगी, एक लंबी चेन बनती रहेगी। कार्बन क्या करता है, अपने साथ दूसरे कार्बन के साथ एक लंबी लंबी चेनें बनाता रहता है। और हर एक कार्बन क्या करेगा, अपने साथ दूसरे चार कार्बन को जोड़ेगा। क्यों चार कार्बन को जोड़ेगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, फोर वैलेंसी है। जितनी वैलेंसी होगी उतने वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन को ज्वाइन करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। आप देखो, किसी भी कार्बन को पकड़ लीजिए, किसी भी कार्बन को सिलेक्ट, चलो मैं ये वाले कार्बन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ। देखो, इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्डिंग बनाया, इसके साथ बॉन्डिंग बनाया, इसके साथ बॉन्डिंग बनाया और इसके साथ बॉन्डिंग बनाया। देखो, ये जो कार्बन है इसने चार कार्बन के साथ ग्रुपिंग कर दी, बॉन्डिंग कर दी और ये चेन लगातार चलती रहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। और इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में देखी जाती है। कार्बन ही है जो कार्बन के साथ लंबी लंबी चेनें बनाता है, जिसकी वजह से वो करोड़ों लाखों कार्बन एटम्स को जोड़कर बड़े बड़े कंपाउंड्स बना लेता है, जो बाकी किसी एटम के पास ऐसी पॉसिबिलिटी
या ऐसी कैपेसिटी नहीं है जो लंबे लंबे बड़े बड़े फॉर्मूले वाले कंपाउंड बनाए। ठीक है, कार्बन के पास ही ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्या करता है वो, कार्बन बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के साथ जुड़ जाता है और बहुत सारी लंबी लंबी चेनें बनाता है और उतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से कार्बन अपने आप में खास तरह की केमिस्ट्री बना के रेडी करता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, टेट्राहेड्रल, टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, वो क्या बना सकता है, जरूरत पड़ने पर एसिडिक, जरूरत पड़ने पर बेसिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। और तीसरा, कैटेनेशन। ये तीन प्रॉपर्टी की वजह से, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है आपका एसिड बेस वाला, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ें बोली हुई है कि कार्बन अपनी केमिस्ट्री क्यों बनाया। तो आपको सिर्फ दो बातों के बारे में डिस्कस करना है कि कार्बन की वैलेंसी चार है और कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या करता है, लंबी लंबी चेनें बनाता है जिसकी वजह से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, जो बाकी की किसी के पास ऐसी टेंडेंसी, ऐसी पोटेंशियल नहीं है बाकी किसी एटम के पास, जो सिर्फ कार्बन के पास ही है। इसीलिए कार्बन अपनी केमिस्ट्री बनाता है और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस है। क्लियर हुआ, इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। देखो, बहुत ही कमाल का चैप्टर है और आपने देखा होगा कि कार्बन हर जगह पे मौजूद है, कार्बन हर जगह पे मौजूद है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर, लिविंग बोलो या नॉन लिविंग बोलो, जिसमें कार्बन ना हो। ऐसा बोल सकते हैं कि विदाउट कार्बन हमारा लाइफ या बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, कार्बन के बिना वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कार्बन तो हर चीज़ के अंदर कार्बन है। ठीक है, चलिए, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? है तो मुझे बता सकते हो? ध्वनि, दिग्विजय, जैनी, खुशी, नो सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। प्रिंस, प्रिंस अग्रवाल, प्रियांशी, राधिका, नो सर। श्रद्धा, तक्ष, युक्ति, जैनब, नो, नम्रता, उसने तो ऑडियो ही चलने, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा मान के चल रहे हैं। हाँ, आज बस आज का जो डोज था हमारा वो इतना ही है, हम इसके आगे नहीं चलेंगे, राइट? तो आशा करता हूँ कि हाँ, आपको हर चीज मालूम आया है, समझ में आया है, आप तो रोज ही डोज को अच्छी तरीके से एकदम स्लोली एक्सप्लेन किया है। हाँ, आगे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ओवरडोज हो जाएगा और आप सो जाओगे। तो आज का हमारा इतना ही रहा, कार्बन कंपाउंड, दो दल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, हमने कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ा, वैलेंसी पढ़ी उसकी, कार्बन क्यों हर हालत में खुश रहता है उसके पीछे का रीज़न, फिर हमने यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पढ़ी, उसका नाम एक वर्ड समझा हमने, टेट्रावेलेंट, फिर कार्बन मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी गेन कर सकता है, फिर एक कार्बन दूसरे कार्बन को कैसे हेल्प करता है और कैसे लंबी चेन बनाता है वो यहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली हम दो चीज़ों के ऊपर आ गए कि कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड क्यों बनते हैं, ड्यू टू द टेट्रावेलेंट एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो और किसी एटम के पास नहीं है, राइट? कल आपका टेस्ट होगा, मंडे को वापस हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, और साइंस का क्लास रेगुलर चलता रहेगा, अभी पहले दो क्लास मैथ्स के आएंगे और तीसरा क्लास आपका साइंस का आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, कार्बन कंपाउंड क्लास 10 2021, ऐसा आप टाइप करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके देख सकता है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।